राम राम, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। एक नई और बेहतरीन बस जर्नी लेकर आ चुके आप सभी के लिए। राम राम, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। एक नई और बेहतरीन बस जर्नी लेकर आ चुके आप सभी के लिए। और मेरा नाम है राकेश और आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक नई और बेहतरीन बस जर्नी। अभी मैं मौजूद हूँ सिरोही के अंदर ओम प्रतीक्षा होटल एंड रेजिडेंसी, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आज जो जर्नी रहने वाली फ्रॉम सिरोही टू बेंगलोर, इंडिया की लार्जेस्ट यानी सेकेंड सबसे लंबी बस जर्नी रहने वाली है। जो पहली है वो है जयपुर से बेंगलोर और दूसरी जो है वो है जोधपुर से बेंगलोर की बस जर्नी। तो आज उस बस जर्नी को कवर करेंगे और 1800-2000 किलोमीटर की जर्नी है और उसके तय करने में अपने को 36 से 40 घंटे लगने वाले हैं। और पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो बस है जो पीछे से आने वाली है अपनी जोधपुर से, और किसी काम से जो अपन आ रखे थे सिरोही, तो यहाँ से अपन कंटिन्यू करने वाले बस जर्नी फ्रॉम सिरोही टू बेंगलोर के लिए। बाकी अपनी बस है जो आई थिंक जोधपुर से निकल चुकी थी अपने से 2 घंटे पहले। अपन 12-1 बजे बोर्ड करेंगे बस के अंदर और काफ़ी शानदार सी बस और नई सर्विस शुरू जो गुजरात बस वालों ने की है। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो काफ़ी शानदार से आने वाला है। बाकी अभी मैं बता दूं ऐसी है कुछ यहाँ की प्रॉपर्टीज़। काफ़ी अच्छा रूम आपको एसी में मिल जाएगा और LED TV इंटरटेनमेंट के लिए मिली है और कवर्ड वगैरह आपको अलमारी वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएगी। अभी खाली है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं। अगर आप कहीं भी ट्रैवल करके आते हो तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। बाकी मिरर यहाँ पे लगा रखा है और काफ़ी अच्छा वॉशरूम एंड बाथरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डस्टबिन भी आपको रूम के अंदर और बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। बाकी बस जर्नी काफ़ी शानदार सी रहने वाली है और ये जो आई थिंक तीसरे राउंड पर जो ये बस नई नवेली जाने वाली है, तो वीडियो जाके पूरा ज़रूर से आप देखना पूरा वीडियो और काफ़ी अच्छे से। और पैकिंग में बता दूं आप सभी के लिए क्या क्या हमने इक्विपमेंट्स लिए। तो ये ले लिया हमने ड्रोन DJI का Mini 4 Pro। काफ़ी लोगों का कमेंट आते हैं भाई साहब आपके पास में ड्रोन कौन सा है, कैसे लिया, कितने में लिया। तो मैंने जोधपुर से ही ऑफलाइन बाय किया था इसको और 1,14,000 का मेरे को 1,25,000 का मेरे को ये ड्रोन पड़ा है। और ये इसमें है Insta360 GoPro DJI का गिम्बल वगैरह और पीछे लैपटॉप कपड़े वगैरह मैंने ले लिए हैं। बाकी बहुत सारी बस जर्नी नई नई आने वाली है तो वीडियो जरूर से जाके लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले हर वीडियो को देखने के लिए भाई साहब बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। बाकी स्टार्ट करते हैं जर्नी। बाकी अभी हैं ऊपर होटल के रूम में और वहाँ पे आएगी सामने अपनी बस, तो करते बस का वेट और बस आने के बाद में आपको मेरा तो सीधा बस से। बाकी जब आएगी बस तो वहीं पर खाना पीना, बस का ये फर्स्ट जो है डिनर होल्ड यहाँ पे रहने वाला है तो यहीं से अपन बोर्ड करेंगे और अपन भी खाना वगैरह खा के फिर यहाँ से निकल जाएंगे बेंगलोर के लिए। तो वीडियो जरूर से पूरा देखना, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के अपनी बस जर्नी। रूम को कर दिया है लॉक और अभी निकलते फिर होटल से और नीचे चलते खाना वगैरह करके फिर कंटिन्यू करते अपनी बस जर्नी को। बस अभी 10-15 मिनट में आने वाली है और काफ़ी शानदार सी होटल आपको देखने को मिलेगी भाई साहब। बहुत अच्छे से रूम और जो दीवार पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। चलते फिर नीचे और दिखाते हैं आपको महादेव ट्रेवल्स की एक जो बस आ रखी है नीचे। चलते पहले नीचे की साइड में। पे मिल गए अपने प्यारे से मेहमान महादेव ट्रेवल्स के ऑनर प्रदीप भैया। हमारे लिए दरवाजा मत खोलो यार, आप कैसे हो? बस मजे में हो? आओ। कहाँ से आए हो अभी?
अहमदाबाद से दिल्ली, नई नवेली भारत बेंच 13.5 मीटर। वाह यार अच्छी बात है फिर तो जी। फाइनली आ चुके हैं नीचे और यहाँ पे खड़ी अपनी अहमदाबाद से दिल्ली चलने वाली महादेव ट्रेवल्स की प्यारी सी बस, नई नवेली भारत बेंच की 13.5 मीटर। तो आपको मैं दिखा देता हूँ अंदर से कैसा इसका इंटीरियर रहने वाला है। तो भाई साहब काफ़ी शानदार सी लग्जरियस और काफ़ी यूनिक सी LED यहाँ पे लगा रखी है इन लोगों ने और काफ़ी शानदार सा जसवंत मिस्त्री द्वारा बिल्ड इंटीरियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और बहुत सारी तस्वीरें आपको। तो अपनी गाड़ी का करते वेट और फिर मिलते हैं आपको सीधा गाड़ी आने के बाद में। बाकी बस काफ़ी शानदार सी बिल्ड करवा रखी भाई साहब जसवंत इंडस्ट्री द्वारा, जो बिल्ड की थी उस टाइम में मैंने आपको बाहर से बस का काफ़ी शानदार सा इंटीरियर एक्सटीरियर जो दिखाया था मैंने आपको और काफ़ी शानदार से सिनेमेटिक शॉट्स भी दिए थे, लेकिन जर्नी का वीडियो मैं आपके लिए लेकर नहीं आ पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर आप कॉमेंट करते हो अभी तो जल्द ही आपको इस बस की जर्नी वीडियो मिलने की देखने को। जी यहाँ पर फ्लाई हो रहा है अपना DJI का मिनी 4 Pro ड्रोन, तो थोड़े ड्रोन शॉट जो है आप इन्जॉय करो। तो जी अपना एयरक्राफ्ट है जो नीचे आ चुका है और काफ़ी अच्छे से ड्रोन शॉट नाइट में भी इसने कैप्चर किए हैं। और तो जी टाइम है जो 12:15 हो चुके हैं, फाइनली अपनी बस है जो आ चुकी है और इतने टाइम तक ले रहे थे अपना बस का ड्रोन शॉट और काफ़ी अच्छा ड्रोन शॉट आ चुका है बस का। और अभी चलते अंदर खाना पीना करते हैं क्योंकि अभी तक पुनाराम जी का वेट कर रहे थे, जो बस के ड्राइवर है उनका कर रहे थे वेट, उनके साथ में करते हैं अभी खाना पीना, उसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको अंदर से कैसी रहती है बस। और बाकी लुक तो काफ़ी शानदार सा आ रहा है भाई साहब। चलते हैं अंदर और करते खाना पीना और फिर अपन कंटिन्यू करते हैं इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट बस जर्नी। तो हाथ वगैरह धोके करते खाना पीना, फिर मिलते हैं आपको सीधा खाना पीना करने के बाद में। तो जी खाना वगैरह हो चुका है और 1 बज चुके हैं यहाँ पे। मैंगो डोली एक दो दे दे, एक दो एक बड़े दे, कितने दूँ? 30 रुपये। हैं 30 गाड़ी है जो अपनी यहाँ से निकल चुकी है। तो आइसक्रीम खाते खाने के बाद में मिलते सीधा बस के अंदर क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये हमारे पुनाराम भाई, इनको तो आप जानते होंगे, पहचान की कोई ज़रूरत ही नहीं है इनको, तो आप इनके साथ पहले ब्लॉग कर रखा है मैंने। चलते फिर मैंगो डोली खाते खाते फिर गाड़ी वहाँ से घूम के आ रही, तब तक अपन रोड क्रॉस करके चलते हैं यहाँ से। हाँ सामने के साइड में चलते हैं अपन लोग, घूम के आता है साइड वो आता है गाड़ी बहुत अच्छी। चलिए फिर बैठते हैं बस के अंदर, बाकी बातचीत करेंगे बस में अंदर बैठने के बाद में।
हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बड़ौदा गुजरात। तो पूरी रात अच्छी सी नींद लेके अभी जग चुके हैं और काफ़ी अच्छी सी लोकेशन पे जो अभी होटल है, तो टॉयलेट एंड टी ब्रेक के लिए बस यहाँ पे रुकी हुई है और यहाँ पे खड़ी अपनी जाकर ट्रल्स की वॉल्वो 9400 B11R और अभी नाश्ता वगैरह करके फिर निकलेंगे यहाँ से। बाकी बस काफ़ी शानदार सी थी भाई साहब, बहुत अच्छी नींद वगैरह भी आई बस में और अभी नाश्ता वगैरह करके फिर कंटिन्यू करेंगे। बाकी रात को अपन ने क्रॉस किया था सिरोही आबू रोड और उसके बाद में पालनपुर मेहसाणा अहमदाबाद और अभी बड़ौदा क्रॉस करने के बाद जस्ट नीलकंठ अपनी न्यू शिव शक्ति पे होटल पे गाड़ी रुकी हुई है। तो यहाँ पे करते हैं नाश्ता वगैरह फिर अपन कंटिन्यू करते हैं अपना बेंगलोर के लिए। बाकी आज की जो जर्नी रहने वाली, आज पूरा दिन अपन शाम तक पहुँचेंगे पूना और कल सुबह पहुँचेंगे कोल्हापुर और कल 12 बजे तक पहुँच जाएंगे अपन बेंगलोर। बाकी जर्नी पूरी एंजॉय करना भाई साहब, काफ़ी मज़ा आने वाला है और मैंने अभी तक आपको इंटीरियर नहीं दिखाया, इस टाइप से बातचीत नहीं करवाई क्योंकि रात जो बस आई थी जोधपुर से पीछे से तो पैसेंजर वगैरह थे बस के अंदर, तो इंटीरियर दिखा दूंगा बेंगलोर के पहुंचने के बाद में। बाकी स्टाफ से बातचीत, जब स्टाफ आराम से जग जाएगा तो दिखा दूंगा, क्योंकि एक स्टाफ होता है एक उठता है वो सिस्टम सेट नहीं करता, इसलिए जब दोनों स्टाफ बैठे रहेंगे उस टाइम आपको बात करवा दूंगा आराम से, स्टाफ से पहचान वगैरह करवा दूंगा। बाकी इस बस के जो टिकट वगैरह आप बुक करवाना चाहते हो तो मैं इसके नंबर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वेबसाइट वगैरह इसकी जो है और बाकी सारी लीडिंग प्लेटफॉर्म जो भी है, बाकी सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म जो भी है इस पर आपको इसकी टिकट जो है अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए करते खाना पीना, फिर मिलते हैं आपको सीधा बस रवाना होने के बाद में। जितनी देर आप इंजॉय करो ड्रोन शॉट। तो जी ये देख सकते हो आप एमआर ट्रेवल्स की नई नवेली वॉल्वो लुक वाली बस, जस्ट वॉल्वो की एकदम कॉपी बना रखी इन लोगों ने।
करा के जी दो दिन गाइस। तो 10:30 का टाइम हो चुका है और अपनी बस रुकी है कड़ोदरा के अंदर सूरत बाईपास पे नहर पे। यहाँ पे लगेज पार्सल वगैरह है, पैसेंजर बोर्डिंग वगैरह पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी एक दो दुकानें हैं, जो बहुत सारी नहीं बोल सकते, एक दो दुकानें हैं, और बहुत ही प्यारी बस है भाई साहब और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और आगे से लुक तो थोड़ा नॉर्मल सा है लेकिन कम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा यह बस रहने वाली है। बाकी राउंड ट्रिप दे दूँ मैं आपको, इसका जो कलर वगैरह है काफ़ी शानदार सी लीवरी है, और गजराज दो है, एक श्री गजराज है और एक गजराज बस सर्विस है। तो ये है श्री गजराज, फिर इसकी जो वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर रखी है और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ को मेंशन कर रखा है। बाकी बहुत ज़्यादा अभी गर्मी है तो वीडियो काफ़ी कम बनाएंगे भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, बस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर खड़ी अपनी जाकर की वॉल्वो। चलिए फिर, बोर्डिंग वगैरह हो चुकी है और पसीना देख सकते हो भाई साहब हाथ पे अभी भी दिख रहा होगा आपको। चलिए फिर चलते हैं, चले फिर चलो। तो कौन जी, सेकंड टाइम होटल होल्ड, अभी खाने के लिए, अभी खाने के लिए सुबह हुआ था टी एंड टॉयलेट ब्रेक के लिए। चलो जी, टाइम क्या हुआ है? 11:41 हो रखे हैं और अपनी बस फाइनली पहुंच चुकी है। यहाँ पे खड़ी है वॉल्वो, अपनी एक और एक एमआर की वॉल्वो की कॉपी जस्ट। अपन पहनते जूते, पावर बैंक की क्यों तो जी पहुंच चुके हैं फाइनली होटल राजपुरोहित पे, और यहाँ पे अभी खाना वगैरह करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब। और सुबह रुके थे टॉयलेट टी ब्रेक के लिए और अभी रुकी है फाइनली अपनी पुरोहित पे खाने के लिए। राजपुरोहित नहीं, आई थिंक सॉरी, होटल पुरोहित नाम से है होटल। काफ़ी शानदार सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेगी और कुछ इस तरीके की अपनी जो बस है काफ़ी शानदार सी लीवरी के साथ में, पीछे की साइड में आपको वॉल्वो की ओरिजिनल बैक लाइट्स हैं मिल जाती है। भारत बेंच की बेचिंग एंड दिव्य शक्ति मोटर बॉडी जो जोधपुर में है, अगर आपको भी ऐसी बॉडी बिल्ड करवानी है तो यहाँ से आप एक्सचेंज शॉट लेके नंबर भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पे खड़ी वॉल्वो अपनी जाकर के, यहाँ वॉल्वो की जस्ट कॉपी एमआर की, और यहाँ पे हाईवे के जस्ट पास में ही है होटल वगैरह। यहाँ पे मिलते हैं मैंगोज वगैरह देखो, तो अगर आते टाइम में ट्राई करेंगे क्योंकि अभी बेंगलोर जा रहे हैं, तो आते टाइम में ट्राई करेंगे कि मैंगोज घर के लिए लेके जाएँ। बाकी काफ़ी अच्छी बस और काफ़ी शानदार सी डिलीवरी अपने को मिलती है। इस होटल पे अपन कई बार आ चुके, तो होटल वाले काफ़ी पहचान वाले हैं, तो उनसे भी मिलेंगे, खाना पीना करेंगे और उसके बाद में चलेंगे अपन कंटिन्यू मुंबई के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं कैबिन में व्यू ले नहीं पा रहा हूँ, बहुत कम ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो भाई साहब फ़ोन हीट हो रहा है, कैमरे हीट हो रहे हैं, ड्रोन हीट हो रहा है, सब हीट हो रहा है, इसीलिए कम से कम और मिनी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा क्योंकि शॉर्ट में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाने को मिलेगी। बाकी गाड़ी जो है मैं आपको बेंगलोर पहुँचने के बाद में दिखा दूँगा। हमारे ड्राइवर सर पूनाराम जी, क्या कर रहे हो फोन जी? यूरिया डाल रहे हो? तो यहाँ पे है इसके अंदर एड ब्लू का टैंक, तो भारत बेंच की ओरिजिनल आपको यहाँ पे यूरिया मिलेगा इसमें। तो यहाँ पे जो है ये एड ब्लू का अपना टैंक, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, वॉल्वो में यहाँ पे मेंशन कर रखा होता है, तो ये है एड ब्लू, तो यहाँ पे डालेंगे यूरिया इसमें। लॉक भी इसमें आता है देखो आप, तो यहाँ से कट करके फिर
इसमें डालेंगे यूरिया। आ चुके हैं होटल के अंदर, हैंड वॉश वगैरह किया अभी, और ये आगे मुझे और भी बेचता सेवाराम जी। कैसे हो सर? सर हम ठीक एकदम। कैसा है ट्रैफिक वगैरह गाड़ी में? हैं ट्रैफिक कैसा है गाड़ी में? सब एक गाड़ी पैक करती है, वो मल्टी सब गाड़ी हमारी सब पैक करती है, तो 24 घंटा पैक करती है हमारी अच्छी सर्विस से। चलो अच्छी बात है। तो ये हमारे जा करके साथ सारी गाड़ियाँ एक साथ में यहाँ पर रुकी है, और यहाँ से खाना पीना करके फिर कंटिन्यू करेगी बेंगलोर के लिए। तो जी बस वाले जो स्टाफ वगैरह है बस के अंदर यूरिया फिल कर रहे हैं, तो अपन थोड़ी देर देख लेते कैसे रहती है यहाँ की प्रॉपर्टी। देख लो यहाँ पे किड्स के लिए स्टोर है, और पूनाराम जी आ चुके हैं अंदर, और यहाँ पे अब वेफर्स वगैरह मिलते हैं, बिस्किट पानी बोतल वगैरह आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर खड़ी बस करते खाना पीना चलते अंदर, और टाइम जो पूरा ये 12 बज चुके हैं। खाना पीना कर लिया है, और अभी आइसक्रीम वगैरह एंजॉय करते हुए चलते हैं वापस से। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो खाना खाने के बाद आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं, और ये है इस होटल के ओनर गुलाब जी। ओके सर, बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी। ओके हाय। बाकी अभी यहाँ पे मौजूद है तीनों बस के स्टाफ, तो इनका नाम तो आप जानते हो, पूनाराम जी है, और आपका क्या नाम है सर? दौलत राम जी। और आपका क्या नाम है? रुणा राम जी। तो ये है बस के तीनों स्टाफ, ये है दो ड्राइवर, ये भाई साहब कंडक्टर, और दोनों साइड में क्लीनिंग, तो बाहर से करवाते हो क्लीनिंग? दोनों साइड में क्लीनिंग जो है बस की बाहर से रहती है, और काफ़ी शानदार सी बस आपको यहाँ पे मिलती है भारत बैंक की। सर लॉक कितने पे है, स्पीड कितने पे लॉक है? 80 पे लॉक है। तो अभी तीसरा राउंड ही है गाड़ी का, यहाँ पे भी सीसीटीवी सर्वेलेंस आपको मिलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ से बॉर्डर कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। तो मात्र 5 किलोमीटर बॉर्डर पे जस्ट जो है आंधी वगैरह शुरू हो चुकी है, और मौसम ने करवट ले ली, अभी पता नहीं बारिश आएगी। महाराष्ट्र में एंट्री होते ही जस्ट ऐसा काम हो रखा है, क्या पता। गुजरात और महाराष्ट्र का चेक पोस्ट, यहाँ पे गाड़ी का वेट वगैरह चेक होता है, इमिग्रेशन वगैरह होके यहाँ से गाड़ी क्रॉस होती है, महाराष्ट्र के अंदर एंटर करती है। दिन के 1:50 हो चुके हैं, अपन एंटर कर रहे हैं अभी महाराष्ट्र के अंदर। मौसम है जो एकदम से चेंज हो चुका है, एकदम मैं सोया था 10 मिनट जाके, लेकिन 10 मिनट के अंदर मौसम चेंज, एकदम धुंधला सा आ गया, और अभी बारिश जो है जस्ट शुरू हो चुकी है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है बारिश में, क्योंकि राजस्थान से निकलते गर्मी में और अभी यहाँ पे आके जाके सुना था कि भाई मौसम चेंज हो नहीं सकता, लेकिन मौसम चेंज हो गया है, मज़ा आ गया, गर्मी से राहत मिलेगी अपने को, तो एंजॉय करेंगे रेन को, बारिश को एंजॉय करते हुए पहुँच जाएंगे अपन बेंगलोर। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आने वाले हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर से दबा दें। इस बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी थी, और उसके बाद में भी ट्रैफिक ने मुसीबत और बढ़ा दी है, तो ऐसी बारिश के अंदर ट्रैफिक में रुकना बहुत मतलब रिस्की रहने वाला है अपने लिए। आगे फ्लड है, बहुत सारी जो बसेज है अभी वहाँ पे होल्ड है, और सामने से अपनी जाकर की जा रही है जो पुणे से आई है अभी। तो बारिश की वजह से लेट भी हो सकते हैं, क्योंकि गाड़ी बारिश में जो स्पीड पकड़नी चाहिए वो पकड़ती नहीं है, क्योंकि बारिश में ड्राइविंग करना थोड़ा टफ हो जाता है। चलिए फिर
चलते हैं, जैसे तैसे होता है अपने वो नए नए अपडेट्स आपको देते रहेंगे ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को कभी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि नए नए अपडेट्स। यहाँ की पहली बारिश जो है पहली हुई है, महाराष्ट्र में एंटर होते ही जस्ट आज बारिश हुई है। बाकी बारिश में जो आप रोड कंडीशन देख सकते हो, बहुत ही खराब रोड कंडीशन हो रखी है, क्योंकि यहाँ की जो पहली बारिश है इसके बाद में जो सरकार की पोल जो है अभी खुलने वाली है। सरकार जो हर साल वादे करती है कि हम रोड कंडीशन ये कर देंगे, पानी की निकासी ये कर देंगे, ये कर देंगे, अभी जो है जो उनकी सारी पोल खुलने वाली है। वाकई में दोस्तों मज़ा आ गया, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो गया और ठंडी ठंडी हवाएं आने शुरू हो गई। मौसम एकदम, सोचा था कि गर्मी होगी महाराष्ट्र में कर्नाटक में, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में एंटर किया तो बारिश शुरू हो गई, एकदम मौसम ठंडा हो गया, दिल खुश हो गया भाई साहब। बाकी देख लो थोड़ी सी बारिश हुई है 15-20 मिनट और देख लो रोड के हाल क्या है। क्या पूनम भाई, हर साल यही दिक्कत रहती है रोड की? बिल्कुल यही दिक्कत रहती है, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं के गड्ढे वगैरह, फिर टाइम की कमी रहती है, फिर टाइम पे गाड़ी पहुंचती नहीं है, फिर पैसेंजर बोलते हैं यार गाड़ी लेट कैसे होती है। जब एग्जाम होना ही होना होना है, फिर तो यहाँ होना ही होना है। ये देखो आप फ्लड देखो, महाराष्ट्र सरकार की पोल ऐसे खुलती है। महाराष्ट्र सरकार बड़े बड़े वादे करती है, हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, लेकिन जब बारिश होती है सारा पानी उस वादों पे फिर जाता है। तो जी अभी पहुंचे हैं मनोर, और जो बेंगलोर से पुणे से मुंबई से गाड़ी आती सारी लगभग यहीं पे रुकती है। ये होटल है सती माता पैलेस नाम करके, लगभग सारी गाड़ियां यहीं रुकती है। और यहाँ पे खड़ी है बीएमआर की, मारवाड़ की, विकेजन की गाड़ी, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं है। जी बारिश के अंदर आ चुकी है, चाय काफी शानदार, मज़ा आने वाला, क्योंकि चाय और बारिश का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे पकोड़े नहीं मिलते, बाकी अगर दाल के पकोड़े यहाँ पे मिल जाते तो बहुत भी मज़ा आ जाता है। क्या बोलूँ भाई, दाल के पकोड़े अपने उधर रह गए, अपने उधर पीछे रह गए राजस्थान में। रिम झिम रिम झिम बरसत आल्या आल्या पाऊस धारा, मोर नाचला बनिया नंद फूल बुनी रम्य पिसारा। रिम झिम रिम झिम बरसत आल्या आल्या पाऊस धारा, मोर नाचला बनिया नंद फूल बुनी रम्य पिसारा। सजली धजली वसुंधरा ही सचैल झेलित धारा, भवती भवती हिरवळ पसरे गंध सुगंधी वारा। ढगातल पुनी हळूच चमके अवजित बिजली गाणी, अंगणातही जमून सारी गाऊ पाऊस गाणी। ढगातल पुनी हळूच चमके अवजित बिजली गाणी, अंगणातही जमून सारी गाऊ पाऊस गाणी। झुंब झुंब भिजुया तुषार आता, काम धाम शाळा नाही मुळीच चिंता। झिंब झिंब पिजुया खेळू खुशाल आता, ना काम धाम शाळा नाही मुळीच चिंता। तुषार झेलित झिंब भिजुया वेचू आणि गारा, गडगड ढग हे बरुणी गर्जती आला पाऊस बारा। उसरली हळू पाऊस सरही शांत निसर्ग सारा। अभी टाइम हो चुका है 7:30 बजे का, और अभी पहुंचे हैं जूई नगर, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक सिटी के अंदर है, तो आपको वीडियो बना के नहीं बता पा रहा हूं मैं।
और जैसे जैसे रास्ता क्लियर हो रहा है मैं आपको अपडेट्स वगैरह दे रहा हूँ। और रात भी ज़्यादा काफ़ी हो चुकी है तो लोनावला में ड्रोन उड़ाना तो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन देखते हैं मॉर्निंग में डावनगिरी हरी और चित्रदुर्गा के अच्छे से लोकेशन में आपको ड्रोन शॉट वगैरह देंगे। करते हैं पुणे सिटी क्रॉस और उसके बाद में मिलते सीधा आपको होटल पे, क्योंकि रात में दिखाने जैसी लोकेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो जी फाइनली 24 घंटे की जर्नी कंप्लीट करके 1000 किलोमीटर को तय करने के बाद अपन पहुंच चुके हैं पुणे महाराष्ट्र के अंदर तिरुपति होटल एंड रेस्टोरेंट पे। और अभी खाने खाने के लिए बस है जो रुकी हुई है, तो इतनी देर जो है सो गए थे तो आँखों में थोड़ी नींद भी आपको देखने को मिल रही होगी, और क्योंकि पुणे में ट्रैफिक वगैरह था तो उसके कारण अपन सो गए थे अंदर जाके मस्त आराम से, और काफ़ी अच्छी नींद भी आई थी घंटे डेढ़ घंटे तक। तो अभी खाना पीना करते हैं और फिर से सो जाते हैं, फिर आप रात को वही रूट है जो पहले मैंने इस पर पहले कर रखा है रूट, कोल्हापुर हुबली होते हुए पहुँच जाएंगे सुबह टुमकुर। बाकी बहुत ही प्यारी बस टाइम जो है जस्ट 11:30 हो चुके हैं 35 मिनट, और अभी खाने खाने के लिए बस है जो रुकी हुई है। बस काफ़ी शानदार सी लिवरी के साथ में आपको देखने को मिल रही होगी, और कलर डिजाइनिंग देखो कर्टन्स के साथ में, और इंटीरियर मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाया, वो वीडियो को लास्ट में आराम से आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी पैसेंजर वगैरह बस में है, बस को क्लीन करने के बाद में कैबिन इंटीरियर एक्सटीरियर सारा कुछ मैं दिखाऊँगा। वीडियो में किसी तरीके की कमी नहीं रखूँगा मैं, लेकिन आपको भी कोई भी कमी नहीं रखनी है, लाइक कॉमेंट एंड शेयर वीडियो को ज़रूर से कर देना। तो अपनी बस लग रही है यहाँ पर खाना खाने के लिए, और जो पानी की टंकी है वो भी यहाँ पे भरेंगे, जो बाथरूम के लिए पानी यूज़ होता है इसमें। बता दूँ मैं आपको, इसमें वॉशरूम आपको ऑन बोर्ड मिलता है जिसकी वजह से टाइमिंग का काफ़ी फ़ायदा होता है। तो अभी गाड़ी में डालेंगे पानी यहाँ से, जो है टंकी जो ऊपर टंकी लगी हुई 300 लीटर की टंकी है उसमें डालेंगे यहाँ से पानी, और यहाँ से आई थिंक बाल्टी भर के लाएंगे या फिर इसको नली को अटैच करेंगे। तो पानी को कैसे डालोगे, बाल्टी से डालोगे या ये देखो मोटर लग रखी है, ये हमारा नलिश भैया होटल के ओनर। नमस्कार भैया, क्या हाल है, काफ़ी लंबे टाइम बाद आया हूँ यहाँ पे, और नया सफ़र नई सर्विस शुरू हुई तो आना पड़ेगा ना फिर। चलो फिर पुनाराम भाई अपने को किचन में लेके आए हैं, यहाँ पे है किचन और यहाँ पे कुक वगैरह है, तिरुपति होटल। यहाँ पे तैयार हो रही है तंदूर की रोटियाँ, कितना गर्मी है, तंदूर की रोटी बन रही है यहाँ पे, तंदूर की रोटी बनाते हैं भैया, पसीना पसीना हो गया देखो कितनी गर्मी है, भीड़ भी है ना उसमें, स्पीड से काम कर रहे हैं ये लोग। बाकी काफ़ी अच्छी सी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे आपको मिलती है, और सीढ़ियाँ वगैरह बाहर भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है, और ये खड़ी लोहावट से जो आती है, आऊ लोहावट फरोदी से आती है बेंगलोर के लिए, और अपने रास्ते में खड़ी है बेंगलोर वाली। चलिए अंदर और खाना पीना करते फिर कंटिन्यू करते हैं अपन। बाकी ये सर आ गए, इनकी ड्यूटी है अभी आपकी ड्यूटी है, अभी हमारी नाइट ड्यूटी चालू हो जाएगी तिरुपति होटल पुणे से बैंगलोर चित्रदुर्गा तक हरिपुर तक। कितने बजे उठोगे आप, मॉर्निंग के अंदर
8 ओक्लॉक तक गाड़ी चलाएंगे, फिर वापस स्कूटी लेट जाएगी अपने हमारे मेन उस्ताद पुन्नाराम जी की। पुन्नाराम जी की, चलो जी खाना आ जाए फिर। तो भुन जी अभी ड्यूटी हो आपकी? हो, अभी भुन जी की ड्यूटी हो, अभी स्टाफ है तो जो उस्ताद जी है इनकी ऑन ड्यूटी शुरू हो जाएगी अभी, और अपनी तो चलती है 24/7। तो यहाँ पे आई है आलू की सब्जी, दाल, और ये क्या सब्जी है? पनीर। पनीर, पनीर, ये है पनीर। अरे यार तो जी खाना पीना कर लिया है, आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं बेंगलोर के लिए। बाकी अपनी बस है जो यहाँ पे, बस है जो रेडी है यहाँ से फिर निकलने के लिए। रिम झिम रिम झिम, 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 बरसत आल्या आल्या पाऊस धारा, मोर नाचला बनिया नंद फुल बुनी रम्य पिसारा, रिम झिम रिम झिम, बरसत आल्या आल्या पाऊस धारा, मोर नाचला बनिया नंद फुल बुनी रम्य पिसारा, धजली धजली वसुंधरा ही सचैल झेलित धारा, भवती भवती हिरवळ पसरे गंध सुगंधी वारा, जगातल पुनी हळू ते चमके अवजित विजली धारा। तो अभी अपन पहुंच चुके हैं हुबली को, जस्ट क्रॉस किया है बाईपास से, और बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे बस अपनी रुकी हुई है, पैसेंजर बोर्डिंग पॉइंट और ड्रॉपिंग पॉइंट आई थी। बाकी रात को काफ़ी अच्छी नींद ले ली थी, और होटल पे खाना वगैरह खाने के बाद में हम रात को, हमने बता दूँ आपको, हमने कोल्हापुर वगैरह क्रॉस किया था, और बहुत सारे छोटे मोटे गाँव आते हैं तो मेरे को इतना ज़्यादा मालूम नहीं है कि सो गए थे, इससे आपसे पता करेंगे रात को कौन कौन सा गाँव ऐसे होते हैं कौन किए हैं। बाकी ये जो यहाँ पे बहुत सारी आपको आँखों ही आँखों में बातें हुई, बातों ही बातों में रातें हुई, मुझ पे नशा उसका हो गया, मैं करूँ क्या है कुछ ना पता, नजर मिली नशा चढ़ा खोया करार है, जब से तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है, नजर मिली नशा चढ़ा खोया करार है, जब से तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है, अब तो ख्यालों के दर्पण में वो ही नजर मुझको आती है, समझ न आए दिल कहाँ जाए क्यों इतना मुझे
के गए हसी, नजर मिली नशा चढ़ा खोया करार है, जब से तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है, नजर मिली नशा चढ़ा खोया करार है, जब से तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है। कैसे लगे ड्रोन शॉट तो कमेंट करके जरूर से बताना मेरे को। बाकी अगर आगे टाइम मिला, आगे अगर लोकेशन अच्छी लगी तो वहां पे भी ड्रोन फ्लाई करने वाले हैं। 8 बजे का टाइम हो चुका है और पहुंच चुके हैं यहां पे। मुंह वगैरह धोएंगे, फ्रेश वगैरह होएंगे, खाना पीना करेंगे, नाश्ता वगैरह कुछ, और फिर मिलते हैं आपको। ड्रोन शॉट आपने एंजॉय किया बताना कैसा लगा भाई साहब मेरे को, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है कर्नाटका के रोड्स पे हमने जो है ड्रोन फ्लाई किया है। बाकी बस का लुक काफ़ी शानदार सा, 13.5 मीटर की अपनी ये बस और काफ़ी शानदार सी बिल्ड हो रखी है, और भारत बैंक की चेसिस पे है तो काफ़ी अच्छी जो है कंफर्टेबल है। फिर चलते अंदर और कुछ खाना पीना करते हैं और फ्रेश वगैरह होके फिर निकलते हैं वापस से बेंगलोर के लिए। अभी यहाँ से बेंगलोर काफ़ी दूर है, 1-2 बज जाएंगे अपन को बेंगलोर पहुँचते, और काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट भी आपको देने। चलते फिर अंदर। तो हमारे उस्ताद जी आके चाय पीने के लिए यहाँ पे, तो चाय पी रहे हो? बीआई पहुंचे हैं, टाइम नाइट में 10:30 बजे बैठे थे। हाँ, अभी पहुंचे हैं रानी बिंदूर। कौन सा इलाका ये? ये रानी बिंदूर है। हाँ, अंदर पे जाता है, बहुत पुराना ढाबा है। यहाँ पे आ चुके हैं अपने साउथ इंडिया की फेमस इडली, और राजस्थान में जो इडली होती है थोड़ी छोटी सी मिलती है अपने को, और यहाँ पे कुछ इस टाइप की आपकी इडली, और ये है चांबर, ये है नारियल की चटनी, और ये है वड़ा। तो एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपको सीधा नाश्ता करने के बाद में। तो जी आ चुके हैं वापस से बाहर नाश्ता वगैरह करके, और साउथ इंडियन डिश जो फेमस रहती है इडली और सांभर और सांभर वड़ा, काफ़ी शानदार टेस्ट था, क्योंकि साउथ इंडिया की डिश है तो ऐसा साउथ इंडिया में उसका रियल टेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे खड़ी अपनी बस और नाश्ता वगैरह करके फिर रवाना होगी अपनी प्यारी सी बस। बाकी रास्ते में बारिश वगैरह बहुत तेज़ थी मुंबई के अंदर, तो देखो कीचड़ वगैरह भी बस में लग रखा है। तो बाकी नीट एंड क्लीन बस होगी जो बेंगलोर में जाके फिर इसको थंबनेल वगैरह के लिए फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे। बाकी बड़ी प्यारी सी बस लग रही है भाई साहब, देख लो काफ़ी शानदार सी लिवरी एंड दी यूनिक सी पीछे की वॉल्वो की लाइट्स और गजराज एंड दी पीछे जो एलिमेंट्स भी लगा रखे हैं। जो फीचर वगैरह बस के अंदर जो भी आपको फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे पूरी जो मेंशन कर रखी है। बाकी इमरजेंसी एग्जिट सब के बस में जो इस साइड में होता है, लेकिन इस बस के पीछे की साइड में इमरजेंसी एग्जिट जो है दे रखा है। बाकी यहाँ से जो है आपको ये ग्लास जो है ब्रेक करना पड़ेगा, इसके बाद में जो हैंडल दे नीचे जैसे कि दबाओगे तो ये जो डोर खुल जाएगा। यहाँ पर अभी खड़ी है लोहावट से आई हुई अपनी बालाजी ट्रेवल्स की प्यारी सी बस, और इसकी लेंथ आई थिंक 10 मीटर के समथिंग है, क्योंकि जो लॉकडाउन के चलते जब लॉकडाउन में गाड़ियां चलती थी तो उसको 12 मीटर से कटवा कर छोटी छोटी गाड़ियां को कर लिया गया था। इसमें स्लीपर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 12 मीटर गाड़ी नहीं है ये, 10-11 मीटर गाड़ी है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है कम करवा रखी है। जब लॉकडाउन में गाड़ियाँ चलती थी उसकी लेंथ वगैरह सारी जो कम करवा दी थी। महाराष्ट्र में जो बैन थी गाड़ियाँ 12 मीटर की, और अभी देख लो 13.5 मीटर की गाड़ियाँ जो अभी चल रही है। वीडियो के चक्कर में यही जो ड्राइवर सर है वो वापस से सीट पे बैठ चुके, जो अभी जी सीट पे बैठने चाहिए वो तो सो रहे हैं अभी तक, उनको जगह ही नहीं, ये सोच रहे हमारी वीडियो वगैरह बनेंगे तो। अंकल ये निकाल दूं? निकाल दूं ये, ऐसे ही पड़ा था, इसका कोई सपोर्ट नहीं था। चलो थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं इस साथ में, और अभी चाय वगैरह पी के रवाना हो जाएंगे। देख लो वीडियो के चक्कर में सर वापस से गाड़ी कंटिन्यू चला रही है। बाकी आई थिंक इन्होंने आर्मी की ट्रेनिंग ले रखी है और इनको नींद वगैरह भी काफ़ी कम आती है, और ये पूरे एक्टिव तरीके से गाड़ी चलाते हैं ये लोग।
बॉडी लैंग्वेज बोलती है, आर्मी की ट्रेनिंग ले रखी इन लोगों ने। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं वापस से, चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर वापस से बेंगलोर के लिए। यहाँ से बेंगलोर 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो चलते फिर बैठते बस के अंदर, बाकी बातचीत करेंगे बस के अंदर बैठने के बाद में। अंकल जी आ रहे धुआं फूकते फूकते, हो गई सिगरेट पूरी अंकल। चलो चलो बैठो भाई बैठो, सारों को बैठा के। चले सर तो आ रहे हैं, आप वापस से गाड़ी चला रहे हो, नींद नहीं आ रही आपको? नींद नहीं आ रही, हमारे स्टाफ है उनके अभी नींद पूरी नहीं हुई है। हाँ तो मुझे स्टाफ का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हाँ थोड़े और में भी है और ओल्ड नहीं नहीं रखो रखो ख्याल रखो आप, आपको तो नींद नहीं आ रही है? मेरे को नींद नहीं आ रही। आपको आर्मी की ट्रेनिंग ले रखे क्या आपने? लग रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, मतलब सीट पे बैठते हो पूरे एक्टिव रहते हो एकदम से। एक्टिव रहना चाहिए। हाँ और गाड़ी चलाते समय हम लापरवाही बिल्कुल नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी के अंदर जितने भी पैसेंजर हैं वो सारे उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की होती है। और कई के लोगों को मैंने देखा है चलाते चलाते वीडियो बनाते हैं, और कई के लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन वो गलत है। आप नहीं बनाते वीडियो? मेरा वीडियो मेरा फ्रेंड बनाता है। हम आए ना वीडियो बनाने के लिए आपका, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हो। सब सोशल मीडिया के चक्कर में कहाँ ना बढ़ रहे, देख लो आज राजस्थान से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ मैं, और इंस्टाग्राम के यूट्यूब के चक्कर में वीडियो के चक्कर में, और ड्राइवर सर ने बोला थोड़ा आगे चलो यहाँ जाके गाड़ी की अच्छी से रील बनाना, तो अभी गाड़ी खड़ी अपनी ठीक से अपन आए यहाँ पे। चेकआउट ज़रूर कर लेना इंस्टाग्राम पर, रील्स जो है आ गई होगी जब तक ये वीडियो अपलोड होगा, और यहाँ से अच्छी सी गाड़ी की रील बनाएंगे और काफ़ी अच्छी सी लोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए फिर रील बनाते हैं, आपको रील देने को मिलेगी इंस्टाग्राम पे। और चलिए सर कंटिन्यू करते फिर बेंगलोर के लिए।
इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया। तो अभी पहुंचे हैं बेंगलोर, देख सकते हो एंट्री, जैसे ही एंट्री हुई है बेंगलोर के अंदर ट्रैफिक अपने को यहाँ पे मिल गया। और पुनाराम भाई अभी एक घंटे पहले ही सीट पे बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और काफ़ी अच्छी नींद भी इन्होंने ली थी और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। मिलते हैं आपको सीधा आनंद राव सर्कल में, बीच में कोई लोकेशन वगैरह होगी तो अपडेट देंगे। बाकी यहाँ पे सारे बहुत सारे जो है ड्रॉपिंग पॉइंट है और बहुत लंबा रूट हो गया भाई साहब, इंडिया का दूसरा सबसे लंबा बस रूट है, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, मैं कई बार बोल चुका हूँ। और ड्रोन शॉट पसंद आए तो ड्रोन शॉट के लिए प्यारा सा कमेंट जो है इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे छोड़ दें। बाकी चलिए फिर ट्रैफिक क्लियर करते हैं, मिलते हैं आपको सीधा आनंद राव सर्कल पे, फिर आपको दिखाते हैं बस का इंटीरियर। मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाया बस का इंटीरियर, वो अभी दिखाऊंगा क्योंकि बस में अभी पैसेंजर है। और बस जैसे ही आनंद राव सर्कल पहुँचती है मैं आपको बस का इंटीरियर, वॉशरूम वगैरह फैसिलिटी क्या है बस के अंदर मैं आपको ज़रूर से दिखा दूँगा। बेंगलोर का सबसे बड़ा बस स्टैंड मजिस्टेक और यहाँ पे सारी बसें, आपको बेंगलोर से कहीं भी जाना है यहाँ पे सारी बसें मिल जाएगी और मेट्रो स्टेशन भी सबसे बड़ा यहाँ पे है। जी फाइनली पहुँच चुके हैं, 1800-1900 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद बेंगलोर के अंदर। अभी मैं हूँ आनंद राव सर्कल बेंगलोर के अंदर, तो हमारी बस है जो यहाँ पे खड़ी है और लास्ट स्टॉप यहाँ पे, तो सारे पैसेंजर वगैरह यहाँ से उतरेंगे और यहाँ से फिर अपन कंटिन्यू करेंगे नई जर्नी के लिए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर से दबा लें। बाकी वीडियो के एंड में मैं आपको इंटीरियर है जो दिखा दूंगा। बाकी अभी देख लो राजस्थान से कितनी सारी गाड़ियाँ जो यहाँ पे आती है आनंद राव सर्कल पे खड़ी रहती है। और ये है बीआर जो आती जोधपुर से, ये जाकर की वॉल्वो, ये आती बाड़मेर से एंड दी पीछे खड़ी है बजरंग की। आगे अपनी गजराज वापस यू टर्न मार के मैं आपको कैबिन दिखाना भी भूल गया था। तो ये है भारत बेंच की 13.5 मीटर की बस, तो यहाँ पे आपको जो है मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर वगैरह एनालॉग एंड डिजिटल दोनों मिक्स में है। और यहाँ पे गियर लीवर मिल जाता है और यहाँ पे मिल जाती है भारत बेंच की प्यारी सी स्टीयरिंग व्हील और यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के सिस्टम मिल जाते हैं। यहाँ पे हॉर्न का जो है लगा रखा है, यहाँ पे स्विचेस वगैरह है और यहाँ पे जो पीछे की लाइट्स वगैरह है, यहाँ के स्विचेस वगैरह है और यहाँ पे भगवान जी की तस्वीरें वगैरह लगा रखी है। बाकी केबिन में काफ़ी शानदार सी लाइटिंग और यहाँ पे एक फ़ैन भी लगा रखा है, बाकी काफ़ी शानदार सी है। और आगे केबिन व्यू के लिए भी कैमरा है, आगे रोड व्यू के लिए भी कैमरा लगा रखा है और वहाँ पर हेडलाइट का जो स्विच वगैरह भी लगा रखा है। बस के अंदर की हालत आप देख सकते हो, काफ़ी गंदी है क्योंकि 2000 किलोमीटर चल के बस आई है, बहुत सारे पैसेंजर्स थे। तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पहले नहीं भी दिखा पाया मैं आपको इंटीरियर। बाकी ये देखो भाई साहब पैसेंजर क्या हालत करते हैं बस की, तो ये हालत नहीं करनी चाहिए लेकिन ठीक है, 2000 किलोमीटर की जर्नी रहती है। बाकी फैसिलिटी मैं बता दूँ आपको, ब्लैंकेट मिलती है, एकदम प्यारी सी पिलो मिलता है, बेड शीट मिलती है और ऊपर भी आपको हेड से ऊपर एसी के वेंट मिलते हैं, लाइट मिलती है और उधर बैक साइड में भी आपको एसी का वेंट मिल जाता है। बाकी प्राइवेसी के लिए एक कर्टेंस एंड दी ऊपर शटर अरेंजमेंट भी मिलता है, डबल प्राइवेसी आपको मिलती है और बैक रेस्ट के लिए भी काफ़ी शानदार सी मिलती है। बाकी कंफर्टेबल बहुत है, नीचे की साइड में भी आपको शटर अरेंजमेंट मिलता है और नीचे की साइड में पिलो वगैरह सूरेक भी आपको नीचे की साइड में भी मिलेगा और ऊपर की साइड में भी मिलेगा। बाकी लाइटिंग वगैरह काफ़ी शानदार सी इस बस में आपको देखने को मिलेगी। तो बाकी रह गया था इंटीरियर, वो मैंने आपको दिखा दिया, काफ़ी शानदार सा इंटीरियर इस बस का आपको देखने को मिला है। काफ़ी गंदी है अभी क्योंकि 2000 किलोमीटर चल के बस आई है, तो क्लीन करने के बाद में सिनेमैटिक शॉट्स मैं आपको दे दूंगा। बाकी बेसिक रूप से मैंने आपको दिखा दिया, बाकी गैलरी में CCTV सर्वेलेंस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, ब्लैंकेट वगैरह मिल जाता है और पिलो काफ़ी प्यारे से पिलो आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर आपको भी जोधपुर से बेंगलोर के बीच में इस बस में ट्रैवल करना है तो मैं ज़रूर से इसके डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टिकट बुक करवा सकते हो। बाकी इनके ऑफिशियल वेबसाइट आपने देखी होगी तो उस पर भी जाके आप टिकट बुक करवा सकते हो, काफ़ी अच्छी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। हाल ही में
आई थिंक 15 से 20 दिन हुए नई बस सर्विस शुरू हुए जोधपुर से बेंगलोर के लिए, तो गंदी है। क्लीन करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको सिनेमैटिक शॉट्स। बाकी यही एंड करते हैं वीडियो को। जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, कई बार बोल चुका हूँ। नए नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर से दबा ले। तो विदा लेते हैं आप सभी से, मिलते हैं आपको नई जर्नी में, एक नई रूट में और एक नई बस के साथ में। ओके।